गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल तक हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रकों के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़िए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो मैकेनिक्स हो, वो मैथ्स हो, इवन आगे के भी सेमेस्टर्स में आप मैकेनिकल में हो चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, कुछ बेसिक यूनिट्स का जानकारी आपको होना है। अगर आपके पास इन यूनिट्स की जानकारी नहीं है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपसे किसी ने आपकी हाइट पूछी, तो आप अपनी हाइट को आपने बताया 5, और आगे आपसे पूछे कि 5 के आगे क्या है, 5 के आगे क्या है, तो आपने कह दिया 5 इंच। तो इंच कितना छोटा होता है, 3-4 इंच के किले आते हैं, तो गड़बड़ हो गया सब। या आपने कह दिया 5 किलोमीटर, तो गड़बड़ हो गया। हाँ, आप समझ रहे हैं कि किलोमीटर बहुत लंबा होता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर यूनिट में गड़बड़ हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक्चुअल में आपको बोलना है 5 फीट, है ना। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आखिरी में यूनिट में आपने वहाँ पे 5 फीट की जगह में 5 किलोमीटर लिख दिया, 5 इंच लिख दिया, 5 मीटर लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो ये तो सारी पूरा ही गड़बड़ हो गया आपका वैल्यू। इसीलिए आप जब यूनिट्स गड़बड़ करते हैं तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 नंबर 4 नंबर, कभी कभी पूरे नंबर भी काट दिए जाते हैं। इसलिए इस यूनिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, अगर इनको हम समझेंगे और आगे के कुछ यूनिट्स को समझेंगे तो पूरा खेल हमारे लिए ईजी हो जाएगा। देखिए, ऐसे यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को मेजर करने में यूज होते हैं, भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में यूज होते हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में सभी अंतर्देशीय सारे देशों में जो एक्सेप्टेड भी हैं, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, SI यूनिट, CGS यूनिट एंड MK यूनिट, MKS यूनिट्स, FPS यूनिट्स भी है जो UK में है, पर बाकी जगहों में वो एक्सेप्टेड नहीं है। पर जो मेन चीज़ें हैं वो है SI यूनिट्स। और SI यूनिट्स में भी अगर आप देखें तो मेन फिजिकल 3 क्वांटिटियाँ ही मानी गई हैं, मास, लेंथ और टाइम। मास का यूनिट हो गया kg, आप जानते हैं। लेंथ का यूनिट आपको मीटर लेंथ का यूनिट है, आप फीट, किलोमीटर, ये चीज़ें नहीं हैं। किलोमीटर का मीनिंग तो क्या हो गया, 1000 इंटू मीटर हो गया, ओके। तो मीटर मेन लेंथ माना गया है, कहीं पर भी इंटरनेशनली या फिर कहीं पर भी आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो आपको मीटर में बताना है, ओके। अब हम आते हैं टाइम के ऊपर। टाइम के यूनिट घंटा भी होता है, मिनट भी होता है, पर आपको क्या लेके चलना है, सेकेंड, ओके। ऐसे यूनिट्स जो हैं वो टोटल 7 तरह के होते हैं, उसमें 3 फंडामेंटल्स है जिनको हमने पढ़ा, पर अब उनको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा यूनिट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके, SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये सारे देशों में एक्सेप्टेड है, MKS कई जगहों पे नहीं है, CGS कई जगहों पे नहीं है, FPS UK वगैरह में है, यूरोप में है, तो इसीलिए हमको ऐसा पैरामीटर फॉलो करना है जो सारे देशों में चलता हो। इन यूनिट्स में फंडामेंटल यूनिट्स के साथ 4 यूनिट्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इन 7ों में से 3 फंडामेंटल यूनिट है और 4 जो है वो अदर यूनिट है। देखिए, पहला लेंथ, मास, टाइम तो हम पढ़ चुके हैं। चौथा जो है टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का यूनिट जो माना गया है वो केल्विन माना गया है, ठीक है। भले ही हम डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट सुनते हैं, पर एक्चुअल जो माना गया ऐसा यूनिट वो केल्विन माना गया है। केल्विन क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 केल्विन होता है, या फिर 273 केल्विन राउंड फिगर में हम मानते हैं, ओके। उसके अलावा लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नापने के लिए कैंडेला यूनिट को यूज़ किया गया है, करंट को नापने के लिए एम्पियर को यूज़ किया गया है, और मैटर क्वांटिटी को, पार्टिकल्स को मापने के लिए मोल को यूज़ किया गया है, ओके। ये तो हुए फंडामेंटल यूनिट्स के बाद, अब हम आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स में। डिराइव्ड यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे यूनिट्स जो 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब जब 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल यूनिट्स को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, इनटू होता है, भाग होता है, ऐसे मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन जब तैयार होता है, तो तब जो नया यूनिट जो निकल के आता है उसको बोला गया है डिराइव यूनिट, ठीक है।
फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, जबकि डिराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए जैसे कि एरिया, आपने अभी तक एरिया का फार्मूला जैसे पढ़ा होगा आपने कि आयत के लिए, रेक्टेंगल के लिए हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ यूज करते हैं, या ब्रेड्थ इनटू हाइट यूज करते हैं, या लेंथ इनटू हाइट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई है, एल मतलब लेंथ हो गया लंबाई, बी मतलब ब्रेड्थ हो गया चौड़ाई, एच मतलब हाइट हो गया ऊंचाई। तो कोई भी दो चीजों का जो इनटू होता है उसको बोला गया है एरिया। ठीक है, जैसे कि किसी का लेंथ है 5 मीटर और चौड़ाई है 2 मीटर, 2 मीटर उसका विड्थ है और 5 मीटर उसका लेंथ है, तो एरिया का मतलब क्या है, ये दोनों का इनटू, तो 5 × 2 = 10। और पीछे में बैकग्राउंड में दोनों के जो यूनिट्स है, ऐसा यूनिट मीटर में हमको लेना है, तो दोनों के मीटर मीटर भी इनटू होंगे, वैल्यूज सिर्फ इनटू नहीं होते यूनिट्स भी इनटू होते हैं, दोनों के मीटर इनटू होके मीटर स्क्वायर निकले। तो एरिया जो है वो व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है, ये कहाँ से आया, ये आया लेंथ से, फंडामेंटल यूनिट लेंथ से आया, तो एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो है स्पीड जो है, स्पीड हम जैसे बताते हैं 60 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर और आवर जो है वो ऐसा यूनिट में नहीं है, किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, आवर को आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस हिसाब से इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर लेना है, टाइम का यूनिट सेकंड लेना है, तो वेलोसिटी का यूनिट हो गया सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, तो इन चीजों को आपको समझना है कि वेलोसिटी, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर ये आपको जानकारी होगा तो आप आगे की चीजों को इजीली हैंडल कर लेंगे। जब हम किसी चीज को ये देखते हैं कि उसने कितने समय में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर में बताते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड में बताते हैं। टाइम को हमेशा नीचे ही लेना है, क्यों, क्योंकि टाइम एकदम इंडिपेंडेंट चीज है, समय के हिसाब डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस हमारे ऊपर मैनुअल डिपेंडेंट होता है, लेकिन टाइम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक, एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज अ हायर डिग्री ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का 1 डिग्री ज्यादा है, मतलब क्या है कि इसको बोल सकते हैं हम रेट ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ डिस्टेंस है, रेट का मतलब हो गया टाइम, रेट ऑफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट है सेकंड, तो हमको मिल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट है वॉल्यूम, वॉल्यूम को, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, आयतन में क्या होता है, जैसे कि कोई 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ भी है, जिसका ब्रेड्थ भी है, जिसका हाइट भी है, तो ऐसे जगहों के लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं। जैसे कि कोई पानी की टंकी सीमेंट की है तो उसका कुछ अपना हाइट होगा, कुछ विड्थ होगा, कुछ उसकी गहराई भी होगी, तो ऐसे केसेस में जहाँ पर 3 डायमेंशन आ जाते हैं वहाँ पे हम मीटर क्यूबिक बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसका लेंथ का यूनिट भी मीटर में आएगा, चौड़ाई ब्रेड्थ का यूनिट भी मीटर में आएगा और हाइट का यूनिट भी मीटर में आएगा, तो तीनों को इनटू करेंगे तो मीटर क्यूबिक हमको मिल जाता है। अब देखते हैं फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है। देखिए फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो मास का यूनिट है केजी और एक्सीलरेशन का यूनिट देख लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया फोर्स का यूनिट। अब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बार बार बोलना मतलब लंबा हो जाएगा, है ना, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, तो बार बार महेंद्र सिंह धोनी बोलना लंबा होता है, तो लोग क्या बोल देते हैं, एम एस धोनी। जैसे बार बार अमिताभ बच्चन बोलना मुश्किल है तो ए बी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक थोड़ा बड़ा यूनिट हो जा रहा है, बड़ा लेने में थोड़ा तकलीफ है, इसको सुविधा के लिए इसको फोर्स का जो आविष्कारक थे या बोल सकते हैं कि जिन्होंने ग्रेविटी फोर्स को सबसे पहले बताया था, न्यूटन जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनका उनके ऊपर इस यूनिट का नामकरण कर दिया गया कि अब कहीं पर भी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर यूज हो रहा है, फोर्स आ रहा है, तो उसको अब न्यूटन में हम बताएंगे। अब यहीं पे मैं एक चीज आपको और भी बता देता हूँ कि केजी और न्यूटन में क्या फर्क है, क्या रिलेशन है। देखिए एक केजी में आप मान के चलेंगे 9.81 न्यूटन या फिर आप मानेंगे 10 न्यूटन। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी के ऊपर अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो आप समझ जाइए कि ये 10 केजी का फोर्स है, 10 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक केजी में 10 न्यूटन होते हैं। ओके, समझ गए। अगर कहीं 500 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो आप समझ जाइए कि 50 केजी का फोर्स लग रहा है। सिंपल है।
और अगर अच्छे से करना है तो आप 9.81 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा, समझ गए? ओके, फिर कुछ यूनिट्स और भी हैं जैसे डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इस यूनिट का यूज आपको अभी नहीं पड़ेगा, पर इस यूनिट का यूज कहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर पानी किसी नल से बाहर आता है, किसी टंकी से पानी बाहर आता है, या कोई लिक्विड जब कहीं पे भी कहीं पे बाहर आता है, लिक्विड कलेक्शन जो होता है उसको पता लगाने के लिए हम करते हैं। तो अभी तो इस सेमेस्टर में आपको यूज नहीं है, पर फोर्थ सेमेस्टर से आपको उसको यूज करना पड़ेगा, या कहीं कहीं पे यूज हो भी सकता है, ठीक है? मेरे नॉलेज में तो मुझे याद नहीं आ रहा कहीं यूज होगा, पर थर्ड सेमेस्टर से आपको ये सब चीजें यूज होने लग जाएगी। फोर्थ में तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें डिस्चार्ज के बारे में ही सब कुछ है। तो डिस्चार्ज क्या है? डिस्चार्ज एरिया और वेलोसिटी का इनटू है। एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है। तो देखिए दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या मिल गया, मीटर क्यूबिक पर सेकंड। इस तरह से यूनिट बैकग्राउंड में काम करते हैं। जैसे आप लोग म्यूजिक सुनते हैं, किसी पिक्चर का म्यूजिक सुनते हैं आप, तो उसमें सिंगर गाना गाते रहता है लेकिन पीछे में बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है। सेम चीज यहाँ पर भी है, हम लोग इंटू करते हैं 6 × 5, 4 × 5, लेकिन पीछे में यूनिट्स भी इंटू और डिवाइड होते हैं। तो उस तरह से फिर जो कट के जो मिलता है, या जैसे यहाँ पर आप देखिए ये मीटर स्क्वायर है इंटू मीटर पर सेकंड है, तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर मीटर क्यूब हो गया, और डिवाइडेड बाई एक सेकंड था तो सेकंड नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको यूनिट कैलकुलेशन करना है बैकग्राउंड में, पीछे में, और आखिरी में लिखना है इसको कि इसका यूनिट ये है, वो बीच बीच में इसको नहीं लिखते हैं, आखिरी में लिखते हैं, ओके? अब देखिए एक टर्म और है, मोमेंट। मोमेंट है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस ही है तो इसका यूनिट हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर। ऐसी राशियां जिनका यूनिट न्यूटन मीटर आता है उसको हम बोल सकते हैं जूल। जूल आपने सुना होगा, एनर्जी का मात्रक होता है, यूनिट होता है। तो बेसिकली जूल क्या है? जूल न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम बोल देते हैं जूल, ठीक? आगे बढ़ते हैं। और वेलोसिटी हमने पढ़ लिया, वेलोसिटी हमने पढ़ा डिस्टेंस बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर का मतलब होता है जब कहीं पे एंगल बन रहा हो, जब सीधे सीधे चल रहे हैं तो नॉर्मल वेलोसिटी, पर कहीं पे अगर कर्व बन रहा है, गोल गोल घूम रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं, टर्न हो रहा है, कुछ एंगल जहाँ पे आ रहा है, फ्लैट नहीं हो रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा है, अगर एंगल बन रहा है तो वहाँ पे कोई चीज़ अगर कोणीय गति करती है, एंगुलर का मतलब होता है कोणीय, कोण बनाते हुए जब कुछ गति हो रही है, कोणीय गति हो रही है, वेलोसिटी को हम गति भी कह सकते हैं, तो कोणीय गति अगर कहीं पर हो रही है तो उसको हम डिनोट करते हैं W से। नॉर्मल वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं, पर कोणीय वेलोसिटी को हम W से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एंगल बाई टाइम, कितने टाइम में कितना एंगल बना। जैसे वेलोसिटी का डिस्टेंस बाई टाइम था तो इसका एंगल बाई टाइम है। एंगल को नापने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है डिग्री या फिर रेडियन, और कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं रेडियन। तो एंगल का यूनिट आपको मान के चलना है रेडियन, और कहीं अगर डिग्री यूज होता है या डिग्री में बताने के लिए होता है तो मैं आगे बताऊंगा आपको रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है, उसके हिसाब से आप डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट यहाँ पर मिल रहा है वो मिल गया क्या, रेडियन पर सेकेंड। पर सेकेंड ये कहाँ से आया, एंगल पर टाइम से आया, एंगल को हम डिनोट करते हैं रेडियन से। एक्सीलरेशन हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है? नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, बस यही डिफरेंस है। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है रेडियन पर सेकंड, टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड बाय सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से यूनिट निकलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आने वाले हैं आगे, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आपने पढ़ा न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल कहते हैं, अगर इसी को जूल के जूल को जब हम जूल पर टाइम करते हैं, जूल पर सेकंड अगर हमको कहीं पे मिल जाता है, या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड अगर कहीं पे मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वॉट, ठीक है? तो वॉट क्या है? वॉट जूल पर सेकंड है। देखिए शक्ति क्या होती है? शक्ति वर्क डन पर सेकंड होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर बोलने का मतलब आ गया कि यहाँ समय आ गया, जहाँ समय आ जाएगा, जूल होता है एनर्जी का यूनिट भी होता है, मोमेंट का यूनिट भी होता है। तो नॉर्मल एनर्जी के यूनिट का हम जूल से शो करते हैं, पर पावर जो होता है, पावर वो होता है एनर्जी पर सेकंड होता है पावर। तो एनर्जी पर सेकंड मतलब एनर्जी का यूनिट हुआ जूल, जूल पर सेकंड, या न्यूटन मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर अगर है तो जूल, अगर न्यूटन मीटर पर सेकंड है तो जूल पर सेकंड,
या जूल पर सेकंड को डायरेक्ट वॉट लिख लीजिए या न्यूटन मीटर पर सेकंड को आप डायरेक्ट वॉट लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर टू यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर को ही दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, तो ये उसी का पार्ट ही है, मतलब चैप्टर नंबर वन ही में है, पर यहाँ पर चैप्टर नंबर टू लिख दिए क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में तोड़ के पढ़ा है। तो चैप्टर नंबर टू है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन एवं वियोजन। ये क्या होता है देखते हैं। देखिए, फोर्स जो होते हैं बल, इट इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और मोशन ऑफ अ बॉडी। बल वह बाह्य कारक होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट होते हैं, जो क्या कहते हैं चेंज कर देते हैं या चेंज करने का प्रयास करते हैं किस चीज को, पोजीशन ऑफ द बॉडी को, किसी पिंड की स्थिति को, या फिर मोशन ऑफ द बॉडी को, किसी पिंड की गति को, किसी पिंड की स्थिति या गति में परिवर्तन करने के लिए जो बाह्य कारक कार्य करता है उसे ही हम कहते हैं बल, या कार्य कर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है तो उसको हम कहते हैं फोर्स। फोर्स जो होता है ये व्यक्ति वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है, और फोर्स जो है वो मास इंटू एक्सेलरेशन का इसका यूनिट होता है। तो मास का यूनिट हो गया केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया न्यूटन। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम फोर्स का समझते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फोर्स को कैसे डिनोट करते हैं। ग्राफ में क्या होता है कि चार साइड्स हम शो करते हैं, तो इसको आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो सबसे ऊपर कॉपी में जो सबसे ऊपर की तरफ का जो डायरेक्शन होता है या मैप्स में जो डायरेक्शन होता है उसको माना जाता है नॉर्थ, इस कारण नीचे का जो हो जाता है वो साउथ। और आप भी इस चीज़ को जानते हैं कि अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपके बाएं हाथ में नॉर्थ होता है और राइट हैंड में साउथ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ये चारों दिशाओं को हम ग्राफ में कैसे शो करते हैं, ऐसे शो करते हैं। नॉर्थ को ऊपर की तरफ शो करते हैं, पूर्व को सीधे शो करते हैं, पश्चिम को पिछले दिशा में शो करते हैं और साउथ को नीचे की तरफ में शो करते हैं। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि कोई फोर्स है जो इसको अच्छे से समझाता हूँ। ग्राफिकली हम फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन द्वारा शो करते हैं, तो फोर्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा शो होगा, एक सीधा लाइन के द्वारा शो होगा। अब यह स्ट्रेट लाइन फोर्स एफ के लाइन ऑफ एक्शन लेंथ एंड मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ एक्शन को बताता है कि जैसे समझते हैं सपोज कि 10 केजी का एक फोर्स है, ठीक है, जो कि ईस्ट से पूरब से 30 डिग्री का एंगल नॉर्थ के डायरेक्शन में बनाता है। तो ईस्ट से 30 डिग्री बनाया हमने और ये हमारा फोर्स का लाइन खींच दिया। तब हम एक सुटेबल स्केल ले सकते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी ले लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी लेने के कारण हमारा फोर्स है 10 केजी का, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 केजी है तो हमने 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचा। क्यों ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 1000 केजी को शो करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्केल को आप अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। स्केल आपके हाथ में होता है आपको कितना लेना है स्केल। तो जैसे 1000 केजी है तो हम ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 200 केजी ले सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 केजी। तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का अपना लाइन ड्रॉ करते और उसको स्केल से नाप के लाइन ड्रॉ करते, तो कभी भी इसको कोई भी देखता तो वो स्केल लिखे रहता कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 केजी और ये स्केल का इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो समझ जाता कि ये फोर्स जो लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 1000 केजी का लग रहा है। ओके, फिर देखते हैं लेकर ओरिजिन से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन गिवन डायरेक्शन में ड्रॉ करते, इस तरह फोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इस तरह से हमको करना है, तो एंगल बता देगा ईस्ट से कितना है या नॉर्थ से कितना है, या नॉर्थ वेस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, या ईस्ट साउथ में है या ईस्ट नॉर्थ में है। ईस्ट मतलब पूरब, नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम, साउथ मतलब दक्षिण। तो ये क्वेश्चन में आपको बता देगा कि इतने डिग्री का एंगल है, इस दिशा से लेना है और फोर्स को हमको स्ट्रेट लाइन से दिखाना है। अगर आउटवर्ड बोलेगा, बाहर की तरफ बोलेगा, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे, बाहर एरो बाहर की तरफ होगा, ठीक है। अगर बोलेगा इनवर्ड है, अंतर्मुखी फोर्स है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, नीचे की तरफ हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है, ओरिजिन में लग रहा है, वो मतलब ओरिजिन में लग रहा है। तो इस तरह से आप स्केल लेके कितने भी बड़े फोर्सेस को अपने कॉपी पे शो कर सकते हैं, समझ गए। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं और भी कई चीज़ें हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आप इतना पढ़ लीजिए और जो भी आपको डाउट होता है वो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हम नेक्स्ट जूम क्लासेस में जब भी हम करेंगे, शनिवार को हमारी जूम क्लासेस होती है, उसमें इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है।
ठीक है, ओके, थैंक यू।